जय श्री श्याम। आज मैं लाई हूँ विंटर्स के लिए सुपर फूड। वो सुपर फूड है अलसी के लड्डू। सर्दियों का मौसम हो और सुबह सुबह एक ग्लास गर्मा गर्म दूध और साथ में एक लड्डू पूरे दिन की थकान को दूर रखेगी। तो इस सुपर फूड को तो बनाना बनता है सर्दियों के मौसम में। तो चलिए आज मैं बताती हूँ मैंने ये खास तरह के लड्डू किस तरह बनाए हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे अलसी का पाउडर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 200 ग्राम फ्लैक्स सीड्स। मेरी ऑलरेडी पहले से ही रोस्टेड है, तो जस्ट मैं इसको एक मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि कोई भी नमी हो तो वो हट जाए। अगर आपकी कच्ची अलसी है तो आप इसको लो फ्लेम में जब तक रोस्ट करिए जब तक ये एकदम क्रंची ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जस्ट इसको एक मिनट अच्छे से सेका है ताकि कोई भी नमी हो वो हट जाए। और इसको हमको बस उतना ही सेकना है जब तक देखिए इस तरीके से हाथ से ये टूटने ना लग जाए। अब इस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं लूँगी यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी, और देसी घी जब हमारा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा। और गेहूँ के आटे को हमको जब तक सेकना है जब तक ये हल्का सा सुनहरे कलर का ना हो जाए, एकदम लो फ्लेम में एकदम आराम से इसको सेकेंगे। चलिए जब तक हमारा आटा सेक रहा है जब तक हम लोग अलसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी बेस्ट है। और अलसी पेट, बाल, स्किन, कोई भी रिलेटेड समस्या हो सभी के लिए बहुत हेल्दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बातें करते करते मेरा आटा भी यहाँ पे सिक के रेडी हो गया, एकदम गोल्डन कलर का हो गया। फिर मैंने इसको भी अलग प्लेट में एक निकाल लिया। अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी, और इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 2 कप मखाने। जिस कप के मेजरमेंट से मैंने गेहूँ का आटा लिया था ना, उसी कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ मखाने लिए। और इसको हम अच्छे से एकदम लो फ्लेम में हम एकदम क्रिस्पी होने तक इसको रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हम सब जानते हैं मखाने जो होते हैं ना, ये भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो सेकंड सुपर फूड मैं जो ऐड कर रही हूँ वो है मखाने, जो हमको कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। और ये और साथ ही मखाने खाने से ना ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मखाने खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं देखिए मेरे मखाने यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। अब मैं इसको अलग एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे थर्ड सुपर फूड जो है बादाम। बादाम के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये बीपी कंट्रोल करता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वेट कम करने में हेल्पफुल है, प्लस बच्चों के माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थर्ड सुपर फूड है बादाम, जो मैंने 5 से 6 पीस लिए चॉप और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया लो फ्लेम में। अब बादाम को भी अलग मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मखाने भी ठंडे होके एकदम क्रिस्पी हो गए, एकदम क्रंची मखाने मेरे सिक्के रेडी हुए हैं। और साथ में मेरी अलसी भी जो है वो भी ठंडी हो गई, एकदम परफेक्ट पीसने के लिए रेडी है, और आटा भी परफेक्ट यहाँ पे सिक चुका है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अलसी को यहाँ पे अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। और ध्यान रखिएगा, अलसी बिल्कुल एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर जार में भी नहीं होना चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा। अब अलसी हमारी अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो गई, तो इसको एक मैं बड़े कोई भी आप बर्तन ले लीजिए उसमें निकाल लीजिए। अब उसमें ऐड कर दूँगी गेहूँ का आटा जो मैंने सेका था। अब जो मखाने हैं ना इसको भी मैं यहाँ पे क्रश कर लूँगी। क्रश करने के लिए जस्ट मैं सिंपली ये चॉपर यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से ये मखाने जो है वो चॉप हो जाएंगे। आप चाहे तो मिक्सर जार में डाल करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे मखाने भी अच्छे से क्रश करके ऐड कर दिए। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे रोस्टेड बादाम जो मैंने रोस्ट किए थे, 1 चम्मच लमसम मैंने यहाँ पे किशमिश, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐड किया नटमेग पाउडर, और साथ में ऐड करूँगी यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे खसखस। तो नेक्स्ट सुपर फूड मैंने ऐड किया यहाँ पे खसखस, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब लड्डुओं को मिठास भरने के लिए मैं यहाँ पे कोई चीनी ऐड नहीं करूँगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप यहाँ पे गुड़ का पाउडर, और साथ में ऐड करूँगी 1/2 कप से थोड़ा कम यहाँ पे पानी। और जस्ट इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। अब मैं गैस की फ्लेम लो करके अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे पकाऊँगी, और हमको इसको बस इतना ही पकाना है कि इसमें झाग आ जाए, और यहाँ पे हमको कोई तार नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब इसमें झाग आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको चेक कर लूँगी, बस हल्की सी चिपचिपी हो रही है ना। इस स्टेज में हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे।
तो चलिए अब हमारी यहाँ पे जो गुड़ की चाशनी है वो भी रेडी हो गई। तो अब इसको हम लोग जो मिक्सर था लड्डुओं का उसमें मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें मैं लगाऊंगी छन्नी, क्योंकि गुड़ में कभी कभी होता है कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो वो होएगी तो वो हट जाएगी। वैसे गुड़ क्लीन ही रहता है बट फिर भी एक बार छानना सही रहेगा। तो अब मैंने सारी चाशनी को छान करके ले लिया। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्रेश एकदम ताज़ा कूटा हूँ मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड किया है, और इलायची का पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर हम लोग फ्रेश एकदम ताज़ा कूटा हुआ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे ना, इससे खुशबू लड्डुओं में बहुत अच्छी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जितना भी मैंने यहाँ पे गुड़ की चाशनी ऐड की थी ना, वो अच्छे से पूरा मिक्सचर एब्जॉर्ब कर लेगी और एक अच्छा सा हमारे यहाँ पे डो बनके रेडी हो जाएगा लड्डुओं के लिए। मिक्सचर को हमको उतना ही ठंडा करना है कि जितना हम हाथ में लेकर के इसका लड्डू आराम से बांध पाए। तो बस फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे और फिर इसको स्टोर करके आराम से एक महीने के लिए हम रख सकते हैं। पूरे विंटर्स आप इंजॉय करिए टेस्टी हेल्दी लड्डू, और इसी बहाने सभी हम फैमिली मेम्बर्स अलसी भी खा लें, क्योंकि अलसी डेली खाना बहुत ज़रूरी स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो इस तरीके से अब की सर्दियों में आप अलसी के लड्डू ज़रूर बना के खाइएगा, क्योंकि वाकई में इसके बहुत ज़्यादा ही गुड़ हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज के अलसी के लड्डू अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी इजी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के संग, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री श्याम।